और ले तो आए लेकिन समझ नहीं आया अब इसको खाना कैसे है। तो कल मायके आने के लिए शाम को घर से निकले, दिल्ली से तो निकल लिए लेकिन द्वारका एक्सप्रेस वे पे आधे घंटे तक शक्तिमान की तरह गोल गोल घूमे, जहाँ हमें शाम से एकदम रात हो गई। फिर एक डेढ़ घंटे का और आगे सफर करके हम जैसे तैसे घर पहुंचे। घर पहुंचे तो बाहर पापा हमारा इंतजार कर रहे थे, पापा भाई से मिले और मम्मी पड़ोस में कहीं फंक्शन में गई हुई थी और हमारे यहाँ नया घर बना है जहाँ एक छोटे से प्रोग्राम के लिए यहाँ हमें बुलाया था। तो आते ही पहले पापा और भाई घर दिखाने लगे, इतने में मम्मी भी आ गई, मम्मी से मिली और फिर दादी भी आ गई थी। तो सबसे मिलने के बाद चाय पानी पी के अब टाइम आ गया था मम्मी पापा को उनके नाम के फ्रूट से मिलाने का। पहले सीताफल खाया जो सबको मीठा और सॉफ्ट लगा, सबको पसंद आया। अब बारी आई रामफल की। अब इसके बारे में ये नहीं पता था इसको खाना कैसे, तो गूगल से पूछ रामफल को कैसे खाते हैं, तो मेरी दादी टेढ़ी टेढ़ी देखने लगी। फिर हमने उसको काट के खाया जो ऊपर से हार्ड, थोड़ा क्रंची एंड हल्का मीठा था। और फिर मैंने सोचा सबकी छोड़ो, दादी से पूछ लेती हूँ कि आपको कौन सा फ्रूट अच्छा लगा। तो दादी ने बोला मेरे को तो सीताफल अच्छा लगा। फिर रात को काफी दिनों के बाद मम्मी के हाथ का खाना खाया। कल हमारे घर में सत्संग और मेरा भाई का बर्थडे है, तो मिलते हैं कल।